हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर के रिजल्ट के बारे में। फाइनली दोस्तों गुड न्यूज़ आ गई है, जो कैंडिडेट यहाँ पर चौकीदार में रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ गया हूँ। फाइनली दोस्तों टेस्ट मीट लेवल के रिजल्ट के बाद यहाँ पर चौकीदार में रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा इसकी यहाँ पर ऑफिशियल डेट जारी कर दी गई है। जो कोई कैंडिडेट यहाँ पर चौकीदार पोस्ट में रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास रहने वाली है। दोस्तों कंफर्म और ऑफिशियल जानकारी देने वाले हूँ कि यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ ट्रेसर मिड लेवल में रिजल्ट आउट होने के बाद काफ़ी कैंडिडेट के माइंड में काफ़ी डाउट हैं, जो मेरे पास कमेंट करें मैसेज करें उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। और दोस्तों चौकीदार और ट्रेसर मिड लेवल के रिजल्ट के साथ साथ अदर पोस्ट की रिजल्ट की भी यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, कुक में कब आएगा। दोस्तों जितनी पोस्ट में यहाँ पर अभी रिजल्ट नहीं आया उन पोस्ट में यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। पर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कमेंट किए जा रहे हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाउटफुल पोस्ट है यहाँ पर चौकीदार और ट्रेसर मिड लेवल। दोस्तों दोनों पोस्ट में रिजल्ट से जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर करने वाला हूँ। और दोस्तों दोबारा से रिपीट कर दूँ, यहाँ पर चौकीदार पोस्ट में रिजल्ट डेट जारी कर दी गई है। दोस्तों कंप्लीट जानकारी के लिए बने वीडियो के एंड तक। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों रिजल्ट डेट बताने से पहले आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर किसी भी पोस्ट में यहाँ पर जब भी रिजल्ट जारी किया जाएगा या फिर आता रिजल्ट, तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी पोस्ट में यहाँ पर रिजल्ट की लिस्ट नहीं लगने वाली है। दोस्तों रिजल्ट आएगा तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से सिलेक्शन होगा, जिन कैंडिडेट के यहाँ पर नंबर आएगा, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया यहाँ पर फिजिकल एग्जाम में, उन्हीं कैंडिडेट के यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों विदाउट रिजल्ट यहाँ पर कैंडिडेट के पास, जिन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा उनके पास यहाँ पर मेल आने वाले हैं। जिस किसी का कैंडिडेट के यहाँ पर सिलेक्शन होगा, चाहे आप कैंडिडेट जो भी यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर किसी पोस्ट में सेलेक्ट होता है या फिर सिलेक्शन होता है, किसी को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है किसी ना किसी पोस्ट में, LDC या फिर CCI या फिर चौकीदार पोस्ट में किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, तो उस कैंडिडेट के यहाँ पर लिस्ट नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ उस कैंडिडेट के पास यहाँ पर मेल आने वाले हैं। तो दोस्तों कोई भी कैंडिडेट ना सोचे कि यहाँ पर इस पोस्ट में जब भी रिजल्ट आता है तो उसके यहाँ पर लिस्ट लगेगी, तो दोस्तों किसी भी पोस्ट में यहाँ पर लिस्ट नहीं लगने वाली है रिजल्ट की। विदाउट रिजल्ट मेल आएंगे, डीव लेटर भेजे जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर चौकीदार पोस्ट में यहाँ पर रिजल्ट की, यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा चौकीदार पोस्ट में। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ पर चौकीदार पोस्ट में कब तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों कुछ दिन पहले या मान के चलो 5 या 6 दिन से यहाँ पर ट्रेसर मिड लेवल में रिजल्ट जारी किया गया था। जिन कैंडिडेट यहाँ पर ट्रेसर मिड लेवल में सिलेक्शन हुआ उन कैंडिडेट के पास यहाँ पर मेल आ रहे हैं। दोस्तों प्रूफ के साथ दिखा दूँ कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर मेल आ रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप स्क्रीन पर यहाँ पर इस तरह से आपके पास मेल आ रहा है। जिन कैंडिडेट के यहाँ पर किसी ना किसी जैसे चौकीदार हो या फिर अदर पोस्ट में किसी कैंडिडेट के ऊपर सिलेक्शन होता है उस कैंडिडेट के पास यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मेल आने वाला है। इस तरह से उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, उनके यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डीवी लेटर आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है इस समय वो यहाँ पर ट्रेस मिड लेवल का चल रहा है। जैसे यहाँ पर ट्रेस मिड लेवल के यहाँ पर प्रोसेस खत्म होता है डीवी लेटर का, उसके बाद तुरंत यहाँ पर चौकीदार पोस्ट में यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कोई भी कैंडिडेट टेंशन ना रहे। रही बात यहाँ पर डेट की, तो दोस्तों यहाँ पर 10 अक्टूबर से ट्रेस मिड में जिन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा या फिर चौकीदार में सिलेक्शन होगा उनके पास यहाँ पर मेल आने लग जाएंगे। दोस्तों 10 अक्टूबर से पहले पहले यहाँ पर ट्रेस मिड लेवल का जो यहाँ पर प्रोसेस है वहाँ पर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेस मिड लेवल में जो मेल आ रहे हैं वहाँ पर 23 सितंबर से यहाँ पर आने लगी थी। दोस्तों टोटल जो डेज हैं ट्रेस मिड लेवल में 17 दिन तक यहाँ पर मेल आएंगे। उसके बाद 10 अक्टूबर के बाद यहाँ पर चौकीदार पोस्ट में रिजल्ट जारी किया जाएगा। विदाउट रिजल्ट के यहाँ पर लिस्ट नहीं लगने वाली है चौकीदार पोस्ट में। जिन कैंडिडेट के यहाँ पर सिलेक्शन होगा चौकीदार पोस्ट में उन कैंडिडेट के पास यहाँ पर मेल आने वाला है। तो दोस्तों टेंशन फ्री रहें। अगर किसी कैंडिडेट के पास चौकीदार पोस्ट में कोई मेल आता है तो दोस्तों
वो मेरे से कॉन्टेक्ट करे, मेरे पास भेज दे, जिससे कि मैं अदर कैंडिडेट को यहाँ पर इन्फॉर्म कर सकूँ। और दोस्तों कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि आप जल्दी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो दोस्तों मैं आपको कैसे इन्फॉर्मेशन दे दूँ जब कोई यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर कोई मेल मेरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करता, कोई मेल नहीं भेजता, किसी कैंडिडेट के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है मेरे साथ यहाँ शेयर नहीं करता, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कैसे दे दूँ। दोस्तों इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप किसी कैंडिडेट के पास कोई मेल आता है या फिर डीवी लेटर आता तो मुझे भेज दे, जिससे कि मैं यहाँ पर कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर सकूँ। तो दोस्तों कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर टेंशन ना ले। और दोस्तों रही बात है अदर पोस्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, दोस्तों अब यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है ट्रेस में लेवर का, उसके बाद यहाँ पर 10 अक्टूबर से यहाँ पर चौकीदार पोस्ट में यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, उनके पास यहाँ पर मेल आएंगे जिन कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन होगा। चौकीदार पोस्ट का यहाँ पर सिलेक्शन जो यहाँ पर प्रोसेस रहेगा 10 अक्टूबर के बाद, उसके खत्म होने के बाद अदर पोस्ट में भी यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों कुल मिला के 7 या 8 दिन तक यहाँ पर एक पोस्ट में प्रोसेस चलता है, उसके बाद अदर पोस्ट में यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर 10 अक्टूबर के बाद ASC सेंटर साउथ बेंगलोर में यहाँ पर जो भर्ती निकली थी उसमें एक पोस्ट है चौकीदार की। तो दोस्तों 10 अक्टूबर के बाद चौकीदार पोस्ट में यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों टेंशन फ्री रहें, सारी जानकारी जो भी आपको यहाँ पर जो भी रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी मिलती है मेरे को, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। जो कोई कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों ASC की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी कैंडिडेट को यहाँ पर ASC सेंटर साउथ बेंगलोर के रिजल्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर चौकीदार रिजल्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर टेस्ट मेंबर लेवल के रिजल्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके कमेंट या फिर मैसेज हैं उनके यहाँ पर रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। दोस्तों इंस्टाग्राम टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में चेक आपको मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में जो जानकारी दी गई है ASC रिजल्ट से रिलेटेड वो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना।